नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पंचायत कंडाबेर के आहरा मैदान में 2024 महाअष्टभुजी फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता 18 जुलाई को शुरुआत की गई थी। वहीं खेल को आगे बढ़ाते हुए फाइनल मैच दिन रविवार देर शाम को संपन्न किया गया। संपन्न के दरमियान पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निर्मला देवी शामिल हुई। बता दें कि खेल में रोमांचक भरे कांटे की टक्कर रही। हजारों की संख्या में खेल प्रेमी खेल का आनंद लिए। वहीं मैच बनाम केरीगढ़ा के बीच खेला गया, जिसमें 0-1 गोल से केरीगढ़ा टीम जीतकर प्रथम स्थान घोषित किया गया एवं बदम टीम द्वितीय स्थान में रहा। तो वहीं इस टूर्नामेंट का आयोजन करता मां अष्टभुजी टूर्नामेंट के सदस्य में अध्यक्ष सह संयोजक कंडाबेर पंचायत मुख्य दिनेश साव, टूर्नामेंट मैच प्रभारी उदय कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, कप्तान सुजीत मंडल के द्वारा किया गया। 20-20 मिनट का खेल में काफी उत्साह देखा गया। वहीं पुरस्कार वितरण में खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्मला देवी के हाथों मोमेंटो एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तमाम खेल प्रेमी एवं ग्रामीण सज्जन आदि खेल की शोभा बढ़ाने एवं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में सहयोग के लिए उपस्थित थे। सभी अतिथियों का मैच समाप्ति के उपरांत खेल प्रेमियों के लिए संबोधन उत्साहवर्धक रहा। खिला करके इस क्षेत्र के लोग अच्छे अच्छे हमारे युवा लोग पर भी आप जीत है, जीत गए तब पर भी आप अच्छा मनोबल लेकर के आगे खेलने का प्रयास करें। यही चंद शब्दों को मैं बोलकर अपनी वाणी को विराम देते हैं और तमाम उपस्थित सभी दर्शकों से मेरा हार्दिक हार्दिक शुभकामना जुहार प्रणाम। आप सभी खिलाड़ियों से आग्रह है, हाँ कमेटी के भी सदस्य आप लोग और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। आपके जो फाइनलिस्ट जो दो टीमों ने यहाँ पर फाइनल अपना खेला है, लेकिन मैं दोनों टीमों से एक चीज कहना चाहूंगा, नदियों से होकर कभी नौका पार नहीं हो सकती, नदियों से होकर कभी नौका पार नहीं हो सकती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। इसलिए मैं तमाम यहाँ उपस्थित से कहूंगा, खेल में हार जीत होता है, इसमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है और मैं जो बादम के जो खिलाड़ी है वो हम लोग से भी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। ये मुखिया जी के हाथों प्रखंड अध्यक्ष बैंका गाँव से चल के आए हैं आप सभी को, और बादम के कप्तान से आग्रह कीजिए इसी बकरा से जो एक महीना से लड़ाई चल रहा था वो समाप्त हो, और समिति कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आप सभी, यही अंतिम दौर चल रहा है, आप सभी अपना योगदान दिए हैं और बहुत ही सोच समझ से जोर से ताली बजाइए, एक ही बच्चा ताली बजा रहा है और ये मौका बहुत ही दिन के बाद आया है जो विधायक के हाथों आपको मिल रहा है। आदरणीय मंचा सेन पूर्व इस बड़का गांव के विधायक महोदय और इस मां अष्टभुजी के जितने भी यहां पर कमेटी के सदस्य हैं और आज के जो फाइनलिस्ट जो दो टीमों ने यहाँ पर फाइनल अपना खेला है, लेकिन मैं दोनों टीमों से एक चीज कहना चाहूंगा, नदियों से होकर कभी नौका पार नहीं हो सकती, नदियों से होकर कभी नौका पार नहीं हो सकती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। इसलिए मैं तमाम यहाँ उपस्थित से कहूंगा, खेल में हार जीत होता है, इसमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है और मैं जो बादम के जो खिलाड़ी है वो हम लोग से भी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। ये मुखिया जी के हाथों और प्रखंड अध्यक्ष बैंका गांव से चल के आए हैं आप सभी को, और बादम के कप्तान से आग्रह कीजिए इसी बकरा से जो एक महीना से लड़ाई चल रहा था वो समाप्त हो, और समिति कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आप सभी, यही अंतिम दौर चल रहा है, आप सभी अपना योगदान दिए हैं और बहुत ही सोच समझ से। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।